हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ है ना कुरकुरे से पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो पॉपकॉर्न्स है ना, बिल्कुल सिनेमा हॉल में मिलने वाले पॉपकॉर्न की तरह ही लगेंगे, सेम वैसा ही टेक्सचर आएगा। तो देख लेते हैं हमने कैसे बनाए हैं ये पॉपकॉर्न। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली मीनल में। तो गाइस, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आ रही हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, और जब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं और खरीद के खाते हैं पिक्चर देखते समय, समझ तो गए ही होंगे। आज मैं आपके साथ जो सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न मिलते हैं ना, मैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और झटपट बनते हैं, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इस पॉपकॉर्न को बनाने में, और टेक्स्चर बिल्कुल वही आता है पिक्चर हॉल वाला। तो अननेसेसरी पैसे क्यों बर्बाद करने, घर पर भी जब हम पिक्चर देखते हैं तो ऐसे पॉपकॉर्न घर में ही इंजॉय कर सकते हैं। तो बनाते हैं हम पिक्चर हॉल वाले पॉपकॉर्न, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें इन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न लिए हैं, ये है ना, कौन से कॉर्न लिए हैं, ये गोल होते हैं कॉर्न, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है ना, एक तो आते हैं बाज़ार में पतले से चपटे कॉर्न, और एक आते हैं गोल और छोटे कॉर्न। तो हमें जो पॉपकॉर्न बनाने के लिए लेने हैं वो गोल और छोटे ही कॉर्न लेने हैं, आप इस बात का ध्यान रखना। ये इजीली किराना वाली जो शॉप होती है वहाँ पर मिल जाएंगे, और यही कॉर्न आपको लेने हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे कॉर्न ट्राई करेंगे तो उनसे पॉपकॉर्न अच्छे नहीं बनेंगे। और साथ में मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और लिया है मैंने हल्दी पाउडर, नमक, और लिया है मैंने थोड़ा सा मैगी मैजिक मसाला। तो हल्दी, नमक और मसाला पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो अब मैंने गैस पर है ना कुकर रख दिया है, और कुकर में हमें डालना है देसी घी। तो यहाँ पर देखिए मैंने देसी घी डाल दिया है और इसे गर्म होने देंगे। तो उसके बाद मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर कॉर्न के दाने, ये देखिए, और इन्हें है ना हमें रोस्ट करना है हल्का हल्का। और आप चाहें तो अभी इस टाइम ही नमक डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, पर मैंने बाद में डाला क्योंकि वो कभी कभी हल्दी जल जाती है हमारी, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, बच्चों का तो ये बहुत फेवरेट होता है, पॉपकॉर्न मांगते हैं जब हम सिनेमा हॉल जाते हैं, ज़बरदस्ती हमें दिलाना पड़ता है, और घर पर भी कहते हैं कि मम्मी बना दो प्लीज़, बना दो प्लीज़। तो अब आप इस मेथड को यूज़ करेंगे ना तो आपके जो पॉपकॉर्न है वो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, बिल्कुल पिक्चर हॉल वाले। देखिए हमारे जो कॉर्न है वो भुनने लगे हैं, और देखिए कैसे गोल गोल होने लगे हैं, और देखिए हमारे जो कॉर्न है वो वाइट पड़ने लगे हैं। तो अब इसी स्टेज पे हमें हल्दी डाल देनी है, नमक डाल देना है और मसाला डाल देना है। तो ये पॉपकॉर्न देखिए पॉप आउट हो रहे हैं। तो देखिए हल्दी, नमक और मसाला पड़ चुका है, और कितनी जल्दी हमारे जो पॉपकॉर्न्स हैं वो निकलने लगे हैं। तो अब हमें इसी स्टेज पर कुकर में ढक्कन लगा देना है, और ढक्कन लगाते समय इसकी जो ढक्कन की सीटी है या कुकर की जो सीटी है वो निकाल देनी है। केवल स्टीम हमें चाहिए, उसी स्टीम में हमारे पॉपकॉर्न कुक होंगे, जो कॉर्न है वो पॉप आउट होंगे, इसीलिए हम उसे पॉपकॉर्न बोलते हैं ना। तो इस मेथड में 2 से 3 मिनट ही लगेगा, और आवाज़ आने लगती है चटर पटर की, जैसे पॉप आउट होता है ना कॉर्न्स, तो उसकी आवाज़ आती है। तो जब ये आवाज़ आनी बंद हो जाए तो आप है ना उस स्टेज पे कुकर की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। फिर उसके 1 मिनट बाद आप कुकर का ढक्कन खोलिएगा। कुकर को है ना आपको लगातार ही हिलाते रहना है, बिल्कुल मत रोकिएगा, क्योंकि है ना इससे हमारे जो दाने हैं वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, और इसमें है ना दाने जलेंगे भी नहीं, तो जो कॉर्न है वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और कुरकुरे बनेंगे। तो गर्मा गर्म जो हमारे पॉपकॉर्न है वो तैयार हो जाएंगे, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना हमारे कॉर्न्स, वाओ। तो चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में पॉपकॉर्न्स अपने, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना हमारे कॉर्न्स, और बिल्कुल नहीं जले हैं। हल्दी भी मैंने क्योंकि लास्ट में डाली है, नमक भी मैंने लास्ट में डाला है, मसाला भी मैंने डालना है लास्ट में। आप चाहें तो ऊपर से चाट मसाला और डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो अब ये बन के तैयार हो गए हैं, और अब हम रुद्रांश को दे देते हैं। मेरे पॉपकॉर्न बन गए। रुद्रांश को बहुत अच्छे लगते हैं, चलो रुद्रांश बताएगा ये। तो गाइस चलो अब खा के देखते हैं, लग तो बड़ा टेस्टी रहा, आप एक बार देखो ध्यान से। अच्छा तुम बताओ ना खा के कैसे बना है। ये तो बड़ा टेस्टी बना है। टेस्टी बना है, इससे ज्यादा मूवी देखूंगा मैं। तो ये जैसे हम पिक्चर हॉल में जाते हैं वैसा बना है कि नहीं बना है? वही बना है, सेम टू सेम। सेम टू सेम वही बना है। अच्छा जी, कोई कमी हो तो बता दो भाई। एकदम पेपर जैसा लग रहा है। पेपर जैसा मतलब?
पेपर खाता है क्या तू? नहीं, ऊपर से दिखने में ऐसे एकदम दिखने में मतलब फ्लावर लग रहा है, पेपर मतलब क्या समझ नहीं आया। पेपर जैसे लग नहीं रहा आपको? पेपर जैसे ये तो कोई वो लग रही है डिजाइन, टेडी बियर जैसी। ये टेडी बियर कहाँ से लग रहा है आपको? मुझे टेडी बियर लग रहा था। ये देखो, ये लोटस नहीं लग रहा? ये लोटस, हाँ ये लोटस का फ्लावर लग रहा है, ये मैंने बनाया है। तो अच्छा ये बताओ बना कैसा है? बहुत टेस्टी बना है। और गाइस, अगर आपको भी मम्मी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मम्मी के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। देखो खाते खाते डकार भी आ गया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बिना सब्सक्राइब किए ही ऐसे ही चले जाते हैं। गाइस प्लीज कर दीजिए और करिए। हाँ प्लीज प्लीज गाइस। चलिए तो गाइस मिलते हैं मम्मी और मैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।